गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा हम क्लास सेवन्थ के जो एक्सरसाइज है 2.4 उसको सॉल्व करेंगे। 2.3 तक हमने पूरी कर ली है और उम्मीद है कि आपने अपने नोटबुक्स में भी कंप्लीट कर ली होगी। तो आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला सम क्या है, फर्स्ट सम, इसमें क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ ए बुक। कॉस्ट ऑफ बुक आपको दी हुई है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बुक आपको दे रखी है 2/3। हम इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 47/3। ये कॉस्ट ऑफ बुक है हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार एंड द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ये भी हमारे पास दी हुई है, ठीक है। इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दोनों हमारे पास, एक बुक की कीमत है और एक नोटबुक की कीमत है। नाउ फाइंड, नाउ फाइंड कॉस्ट ऑफ विच आर्टिकल इज मोर एंड हाउ मच, ठीक है। क्या कह रहा है कि अब आप इन दोनों में से आपको ये बतानी है कि किसकी कीमत ज्यादा है, नोटबुक की कीमत ज्यादा है या बुक की कीमत ज्यादा, और कितनी ज्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले एक्सरसाइज में एक टॉपिक किया था कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कि आपको ये बताना था, दो नंबर्स आपको गिवन थे, उसमें से आपको ये बताना था कौन सा नंबर बड़ा है। सपोज हमारे पास ऐसे 9/4 और 5/7, ये नंबर्स गिवन थे और हमें इनका क्या करना था कि 9/4 और 5/7 में से विच वन इज ग्रेटर, ये बताना। तो ठीक है, उसी प्रकार का कुछ है। तो उसमें हमने क्या किया था, ये जो इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम किया था, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे भी 47/3 कॉस्ट ऑफ ए बुक एंड 19/4 कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 12, ठीक है। 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 पे जाएगा, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 188, और अब 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 पे जाएगा, तो 3 से 57। तो देखिए ये तो सेम है ही, तो 188/12 कॉस्ट ऑफ ए बुक एंड 57/12 इज ए कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। तो आपको अगर हम इसमें डिनोमिनेटर हटा दें, 188 और 57 में से विच वन इज ग्रेटर है, 188 जो कि कॉस्ट किसकी है, बुक की, सो वी कैन से कॉस्ट ऑफ बुक इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो अब हमें कितनी ज़्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 131/12। अब इसको हमारे पास क्या है, कॉस्ट किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसका आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना है। अब इसको यहाँ डिवाइड कर लीजिए, देखिए 131 को 12 से, 12 बन जा 12, 1 और 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 और 11/12 ये अपने पास आ गया। सो वी कैन से, ये नेक्स्ट स्टेप है, आप इसको नीचे कर लेना, ठीक है ना, इसको नीचे कर लेना। वी कैन से दैट, मैंने सब बराबर में इसे कर दिया कि हो सकता है आपको वीडियो में दिखाई नहीं देता। वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ बुक इज मोर देन कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको करेंगे। देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये एक रोड है, इस रोड की यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लंबाई है 564 मीटर है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये इस पूरे लेंथ कहना है रोड को रिपेयर करना है,
तो अब क्या करते हैं इसको रिपेयर करने के लिए, एक दिन में मजदूर इसको रिपेयर करते हैं, तो कहते हैं कि 1/4 इसका जो है ना, 1/4 हिस्सा वो है रिपेयर करते। अब हमें तो नहीं पता इसका 1/4 कितना, अगर ये कहते हैं कि 20 मीटर करते तो हम 564 में से 20 मीटर माइनस कर, लेकिन उसने क्या कहा 1/4 हिस्सा रिपेयर किया है। तो अब 1/4 कितना होता, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा 1/4, और उसके बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आप अपनी बुक से नोट कर लीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशंस करवाते चले जाता हूँ, समझा देता हूँ कि किस प्रकार से सॉल्यूशन। टोटल लेंथ ऑफ द रोड विच टू बी रिपेयर्ड, जो कि बनाया जाना है, वो है 564 मीटर, ठीक है। इन वन डे रोड रिपेयर्ड 1/4, ठीक है, कि इन वन डे रोड रिपेयर्ड 1/4। सो नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ अन रिपेयर्ड लेंथ ऑफ रोड। क्या कह रहा है कि देखिए टोटल लेंथ है 564 मीटर, उसमें से 1/4 जो रोड का हिस्सा है वो रिपेयर हो गया, तो बताइए जो बाकी जो लेंथ बच गई वो कितनी बच गई। तो उसके लिए 1/4 ऑफ 564, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे 1/4 निकालना पड़ेगा, तो इसका 1/4 मल्टीप्लाई बाय 564, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 5 1 5 5 4 16, 5 1 5, तो इसका 1/4 हो जाएगा 141 मीटर। तो अब हमारे पास क्या हो गया, रिपेयर्ड पार्ट आ गया, ये इसको क्या है रिपेयर्ड, पार्ट ऑफ रोड ये हमारे पास जो है जिसका रिपेयर हो चुका है। नाउ लेंथ ऑफ अनरिपेयर्ड रोड कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है 564, रिपेयर्ड कितना हो गया 141, अब इसको माइनस करके आप यहाँ पे आंसर लिख देना, इतना तो कर ही लोगे ना, तो अब ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एम का मतलब होता है मीटर। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर भी एक तरह की पैंटी होती है तो ये मत सोचना क्या हो गया 32, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर कितने हो गए 32। टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 32 ट्राउजर कितना कपड़ा लगा, देखिए इतना कपड़ा आपको लगा कितने 32 ट्राउजर्स को बनाने में। अब हमें क्या करना है, नाउ फाइंड क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 ट्राउजर। देखिए अब आपको क्या है यहाँ
32 ट्राउजर्स दे रखी है और आपको कितना 1 का पता करना है। तो जब भी आपको ज़्यादा से कम का पता करना, मतलब कम ज़्यादा दे रखी है और कम पता करना, तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 105 ये टोटल है, डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, क्यों, ये टोटल कपड़ा हो गया, ये आपके टोटल ट्राउजर्स हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे नहीं है तो डिनोमिनेटर लगा देंगे, तो 105 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सिचुएशन, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो 1/32। अब इसका हो जाएगा 105/64। अब इसको डिवाइड करके आप आंसर लिख देना, आपको जो आएगा वो आएगा कितना, एक ट्राउजर के लिए रिक्वायर्ड के लिए। डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 ट्राउजर, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप प्रैक्टिस भी कर सके, इसलिए ये छोटा सा जो पार्ट है जिनको आप कर सकते हो वो आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, इससे प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और यहाँ वीडियो भी लंबी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपकी, इन ए क्लास ऑफ 72 क्या टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास, देखिए एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कितनी है, 72 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 72। अब उसमें से नंबर ऑफ बॉयज इज, नंबर ऑफ बॉयज बॉयज इन क्लास क्या दे दिया आपको, 5/12। देखिए फ्रैक्शन में दे दिया, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो हमें क्या करना, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास इज 5/12, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, हमें ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉयज पता करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ बॉयज पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 72 का 5/12 निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ बॉयज बॉयज इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 5/12, ठीक है, इज इक्वल टू 30। 30 क्या हो गया हमारे पास, बॉयज हो गए, तो गर्ल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 72, बॉयज हमारे कितने हो गए 30, इसको माइनस कर देना और नंबर ऑफ गर्ल्स निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ेंगे, सॉल्यूशन करते हैं 5th का क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन के, बाय सेलिंग एप्पल्स एट द रेट ऑफ पर एप्पल, क्वेश्चन नंबर 5, रेट ऑफ पर एप्पल, एप्पल इज इक्वल टू RS4, इसको हम कर लेते हैं 15/4, टोटल RS कितना 210। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति सेब बेचता है, ठीक है ना, वो सेब बेचते हुए टोटल जो रुपीज है वो अर्न कर लेता है 210 रुपीज, और एक सेब जो बेचता है ना वो 15/4 के रेट से बेचता है। तो अब आपको ये बताने कि उसने टोटल एप्पल कितने बेचे, तो उसके लिए फाइंड द नंबर ऑफ
एप्पल्स सेल्स, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स कि आपको अभी ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ सेब उसने बेचे, ताकि वो जिससे उसको जो उसकी कमाई है वो 210 रुपये हो। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सो 210 डिवाइडेड बाय 15/4, 210 को हम जो क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अर्न इतना था, एक सेब का इतना था। तो हम क्या करेंगे, 210 बटे में 1 गुना में 4 बटे में 15। ठीक है, अब हम इसको 5 से कट करेंगे। ठीक है, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 56 एप्पल्स। उसने 56 एप्पल बेचने पे हमारे पास इतने, हमें ये करना, चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो 15/4 को मल्टीप्लाई कर दो 56 से, अगर 210 आएगा तो आपका आंसर करेक्ट है, वरना आपका आंसर गलत। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सेम इसमें भी वही है। वैसे क्वेश्चन नंबर आपके लिए मुझे छोड़ देना चाहिए मुझे, लेकिन फिर मैं कह देता हूँ, टोटल शुगर कितनी है आपकी, 8.5 kg है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, कर लिया। उसके बाद क्या कर रहा है, और टोटल कॉस्ट ऑफ 8.5 kg शुगर इज इतना, कितना है आपका, RS 148 3/4। देखिए क्या कह रहा है कि आपका जो जो शुगर है 8.5 kg है। दुकान पे कोई सामान हम लेने गए थे, मैं कोई सामान क्या चीनी लेने गए 8.5 kg, और उसके बदले में हमने इतने रुपए दे दिए। जब वापस घर आए तो हमने, हमारी मदर ने हमसे पूछा कि बेटा 1 किलो चीनी कितने की थी, तो वो बता बताना हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। देखिए फिर यहाँ ज़्यादा दे रखी है, कम का आपसे पूछा है, तो उस सिचुएशन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको इस मल्टीप्लाई किया हमने, तो देखिए सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 148 × 4, फाइव नाइन्टी फाइव, ये प्लस कर दिया 3, तो 595 हो गया। तो यहाँ पे 595/4 क्या हो गया, 4। ये आपका यहाँ से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मैंने उसमें लिख लिया। उसके बाद आपको डिवाइड करना है किसके, 17/2 से, ये जो शुगर का है टोटल उससे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 595/4 × 2/17। अब चाहो तो आप इसको अपना सॉल्यूशन आप कर लेना, और ये कहो कि मैं करवा दूँ तो मैं थोड़ा सा और करवा देता हूँ इसको, उसके बाद आप कर लेना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 595/34। अब इसको डिवाइड कर लेना, आपको जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लेना, वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 kg, क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 kg। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। अभी आपको 5 6 कर लिया, सॉरी, अब हम 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, 7 में
में क्या कह रहा है, सेवन में कह रहा है एक फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए, देखिए मैं क्वेश्चन समझा रहा, एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये ए है, ठीक है। यहाँ से ललित वॉक्स 3 and 4 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ से ललित चलना शुरू करता है इधर ईस्ट की तरफ, और वो चलता है 3 upon 4 किलोमीटर यहाँ तक चलता है, उसके बाद देन टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखिए इधर ये हमारे क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये है, तो कहता है कि यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक 3 upon 4 किलोमीटर जो है ललित वॉक करता है ईस्ट की तरफ, उसके बाद इस पॉइंट से ललित वापिस चलना शुरू करता है वेस्ट की तरफ, और अब वो चलता है यहाँ तक कितना आता है 6/7 किलोमीटर। तो अब ये कह रहा है कि पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट बी इस पॉइंट तक पहुँचता है, उसके बाद वेयर विल बी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कहता है कि अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है वो बताओ, आपको ये बतानी, ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो अब उसको कैसे करेंगे देखिए, चलिए करते हैं हम, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस कवर्ड बाय ललित टुवर्ड्स ईस्ट, कितना डिस्टेंस किया था 3/4 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस किया था उसने, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बाय ललित कितना 6/7 किलोमीटर। देखिए अब डिस्टेंस कितना किया, अब आपको ध्यान देने वाला बात है, इतना डिस्टेंस तो सेम ही है, ये इधर चला और या इधर चला, यहाँ तो सेम ही है, जो हमें पता लगाना है वो कौन सी है, ये वाली दूरी पता लगानी है कि ये दूरी कितनी है, उसने ये तो कहा ही नहीं टोटल कितना चला, अगर वो ये कहता टोटल चलो तो टोटल चला होता तो हम क्या करते हैं 3/4 + 6/7, हम इसको तब तो हम ये कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसने इतना करा, हालांकि वो चला इधर गया फिर पहले इधर गया, लेकिन उसने टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी कितनी है वो पता लगानी है। सो नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, देखिए मैंने आपको समझाने के लिए पॉइंट ए और बी का नाम दे दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है इनके बीच की, तो हमारा पॉइंट ए से वो डिस्टेंस से अगर क्या था यहाँ से यहाँ तक हम वो तो पूरा कर लिए, फिर वापस इतना चला था, तो हम बड़े डिस्टेंस क्या, हम पॉइंट 6/7 - 3/4 हम ये कर लिया, तो अब इसका एलसीएम ले लिया 28, ठीक है। तो 4 से कितने में गया, डिवाइड करेंगे 28 को फर्स्ट 24 माइनस, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 21 = 3/28 किलोमीटर इन वेस्ट, ये उसकी पोजीशन होगी आपकी पॉइंट ए से उसकी दूरी। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट, और उम्मीद है कि आप सबको समझ में भी आ गए होंगे, अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको अपनी जो फेयर नोटबुक में उसको कर लीजिएगा। थैंक यू।